परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे। आइए चलते हैं कुछ प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, यदि हम मान जानेंगे इस टाइप के प्रश्नों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निराकरण कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री का मान एक, एक बटे दो, रूट तीन बटे दो और जीरो। हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, एक बटे दो। इस ऑप्शन पर टिक करेंगे और हम क्या करेंगे, रनिंग। एक कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान एक, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट तीन बटे दो और साइन जीरो का मान जीरो। हम केवल साइन के मान को याद करके किसी भी मान को हम निकाल सकते हैं। साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 का मान एक बटे दो, साइन 45 का मान एक बटे रूट टू, साइन 60 का मान रूट तीन बटे दो और साइन 90 का मान एक। इस मान के अंतर्गत हम किसी भी मान को आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा आगे चलना है कॉट 30 का मान। यदि हमें मान मालूम नहीं है फिर भी हम आसानी से बना सकते हैं, कैसे, उस चीज को हम देखते हैं। कॉट 30 हम जानते हैं कॉट 30 बराबर होता है कॉस 30 बटे साइन 30, इसीलिए कॉट 30 का जाता है कॉस 30 बटे साइन 30। अब हमें साइन 30 का मालूम था तो मान लिया हम साइन 30। अब कॉस का मान यदि हमें मालूम नहीं रहेगा, हम जानते हैं कॉस 30 का मान जो होता है वो साइन 30 के बराबर होगा साइन 30। अब हम साइन का वर्ग बटे जानते हैं रूट 3 बटे 2 और साइन 30 का मान 1 बटे, इसका मतलब कितना, रूट 3। दूसरा ऑप्शन में था, यही हमारा क्या हो गया। नेक्स्ट वाला है, यदि टेन थीटा का मान 3/4 हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। हम आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब हमारे पास दिया होगा टेन थीटा मान 3/4 तो तुरंत मेरे दिमाग में आना चाहिए टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो लंब बटे आधार का, और हमें निकालना था कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का सूत्र जाएगा। अब कहानी आया कर्ण, तो कर्ण हमें मालूम नहीं है इसके लिए हम सूत्र जो जानते हैं कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जो केवल कर्ण का बात आएगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधारित। हमें लंब मालूम था 3, तो 3 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 का वर्गमूल कितना। जब हम कर्ण का मान निकाल ले ध्यान से कब कर देंगे, कर्ण के जगह में 5 और हमें लंब का मान दिया हुआ था 3, इसका मतलब 5/3 जब तक हम बनाएंगे नहीं दीर्घवृत्ति का सवाल हम एबीसीडी नहीं कर सकते, ठीक है। आगे सवाल लिखी रहे हैं, साइन थीटा का मान 8/10 है, साइन थीटा का मान 8/10 है, तो क्वेश्चन हमें बोला टेन थीटा का मान निकालिए। सेम इसी तरह से जैसे साइन थीटा का मान लगा, हम जानते हैं साइन थीटा का लंब बटा, जब हमें लंब का मान मालूम, कर्ण का मान मालूम, तो हम आधार का निकालेंगे, आधार बराबर होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर 8 का, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 14 कितना 36 6। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमें था टेन थीटा का मान निकालिए, हम टेन थीटा का सूत्र जानते हैं लंब मेरा 8 और इस क्वेश्चन में लंब मेरा 8 था और आधार मेरा कितना, जिस ऑप्शन में मेरा 8/6 होगा उस ऑप्शन में हम क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है साइन ए बराबर 1/2 तो कॉट ए का मान क्या होगा। सेम वही सवाल है, जब साइन ए का मान हमें मालूम है, हम जानते हैं साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लॉग बटे कर्ण, इस कंडीशन से हम किसका मान निकालेंगे, जब हम आधार का मान निकालेंगे मेरे पास है कॉट ए, कॉट ए मतलब आधार का मान, इसमें सेट करेंगे और हमारा आंसर। आगे सवाल है कॉस ए बराबर 4/5 तो टेन ए का मान क्या होगा। सेम इसी ढंग से सवाल है, जब कॉस ए का मान हमें दिया हुआ था, हम जानते हैं कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, जब आधार का मान हमें मालूम है, कर्ण का मान मालूम है, इस कंडीशन से हम लंब का सूत्र लगाएंगे क्या, कर्ण माइनस, हमें लंब का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिया होता है टेन ए का मान निकालिए और हम जानते हैं टेन ए का जो फॉर्मूला होता है वो लंब में क्या आधार होता है, हम मान रख देंगे और हमारा आंसर आसानी से बन जाएगा। आगे सवाल है टेन ए बराबर 8/15 तो कोसेक ए का मान क्या होगा। सिर्फ इसी ढंग से सवाल है, जब जो क्वेश्चन दिया जाए
उसको हम देखेंगे क्या क्या बेनिफिट है हमारे पास। मेरे पास फैसिलिटीज है 10A का लंब बटे आधार, इसका मतलब इस प्रश्न में मेरे पास लंब का मान 8 दिया हुआ था, आधार का मान 15। हम कर्ण का सूत्र लगाएंगे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसका रूट करेंगे मेरे पास कर्ण का मान मिल जाएगा। और हमें निकालना था कोसेक, कोसेक का सूत्र जानता है कर्ण बटे लंब, सेट अप करेंगे और हमारा आंसर बता जाएगा। नेक्स्ट सवाल एक बार फिर से इसी ढंग से है, कोसेक ए बराबर रूट 10, तो हमें सेक ए का मान निकालना है। आसानी से हम बना सकते हैं कैसे, तो कोसेक ए का सूत्र हमसे कुछ नहीं था, 1 लिख दिए, इसका सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे जब कर्ण और लंब का मान मेरे पास मालूम है, इस कंडीशन से हम आधार का मान मालूम करेंगे, और जब आधार का मान निकल जाएगा तो सेक ए का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, कर्ण बटे आधार। हम इसमें सेटअप करेंगे और मेरा आंसर आगे आगे सवाल है 10A बराबर सेक ए, इसमें भी उसी ढंग से है और हम सॉल्यूशन करेंगे और मेरा सॉल्व हो जाएगा। आगे सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर रूट 3/2 तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, कैसे, जब साइन थीटा का मान रूट 3/2 था, हम इजी कर सकते थे साइन थीटा बराबर रूट 3/2 था, हम सोचेंगे साइन में कितना डिग्री का मान, 60 साइन 60 डिग्री, इसका मतलब थीटा का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री। जब थीटा का मान मेरे पास 60 डिग्री मिल गया, यहाँ सेटअप करेंगे कोसेक थीटा साइन का मतलब कोसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री, इसका मान जो होगा लिखेंगे, इसका मान जो होगा लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यही लघुत्तम होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। यदि दूसरे तरीका से बनाना है, साइन थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं लंब बटे कर्ण, जब लंब का मान मालूम, कर्ण का मान मालूम, तो आधार का मान क्या करेंगे निकालेंगे, जब आधार का मान प्राप्त हो जाएगा हम कोसेक थीटा का सूत्र से निकालेंगे कर्ण बटे लंब, इसका मान निकालेंगे, फिर कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटे लंब, कॉट थीटा का मान निकालेंगे, फिर क्वेश्चन हमको बोला था दोनों पर क्या कर लीजिए जोड़ दीजिए, दोनों मान को हम जोड़ देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीका में किसी का भी हम उपयोग करके बना सकते हैं। 11 सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर ए बटा बी तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। यदि सूत्र याद नहीं भी है तो भी आप बना सकते हैं, कैसे, जो सिंपल फॉर्मूला है क्या है, साइन थीटा का हो गया लंब बटे कर्ण, जब लंब का मान मालूम, कर्ण का मान मालूम, हम किसका मान निकाल देंगे जब आधार का मान हम निकाल देंगे, तब कॉस थीटा का मान निकालना था, कॉस थीटा का सूत्र था आधार बटा कर्ण 45, इसका मतलब कन्फर्म हो गया थीटा का मान क्या डिग्री 45, यहाँ हमको निकालना था कॉस थीटा, यहाँ थीटा के लिए हमने मान रखे हैं का सूत्र जान कॉट का कर्ण का मान कितना, इधर से हम क्या कर सकते हैं बना सकते। आगे सवाल है, साइन थीटा बराबर रूट 5/3 कॉस थीटा बराबर कितना होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा। तो सूत्र हम जानते हैं टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा का मान कितना था रूट 5/3 और कॉस थीटा का मान था 1/3, इधर कैंसिल हो गया, इसका मतलब कितना रूट 5, मेरा पहला ऑप्शन में था, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे आगे है, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 5 तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, हमको जब दिया हुआ था उसी पे हम अपना क्या करते हैं दिमाग अप्लाई करते हैं, टेन थीटा जो कॉट थीटा बराबर कितना था, लेकिन हमको निकालना था टेन स्क्वायर थीटा जो कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा जब ई हमको दिया हुआ था टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना था, अब स्क्वायर कैसे आएगा, ऐसा हम करते हैं कि दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं स्क्वायर, दिया हुआ हम दोनों साइड क्या कर दिए स्क्वायर, तो हमको क्या मिला ए प्लस बी का स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB और इधर हो गया 5 स्क्वायर कितना 25। आगे हम देखें टेन स्क्वायर थीटा, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसीलिए हमको मान निकालना था टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। आगे इसको देखते हैं प्लस 2 टेन थीटा, जानते हैं टेन थीटा किसका उल्टा
और थीटा बराबर हुआ कट थीटा बराबर इधर कितना 25 एक कट गया इधर बच गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 60 स्क्वायर थीटा इधर प्लस 2 होता उधर जाके 25 में 2 घट गया इधर मतलब आंसर कितना है मेरा किसी ऑप्शन में सही बनाएंगे तो ऑप्शन में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस मुताबिक हमको चलना आगे चलो अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कॉमन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कॉमन और इस सवाल में थोड़ा सा और लेंथी कर दिया क्या लेंथी कर दिया बोला जिसे पहले का आप निकाले थे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लेकिन अब भी हमको मान निकाल के दिखाइए टेन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉट पर पावर 4 थीटा हमको घबराना नहीं है जो घबरा के उसे सवाल नहीं बनेगा ऐसा हम करते हैं मेरे पास था टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना हमको पावर 4 तक पहुंचना है तो पहला हम पर कम करते हैं इसको स्क्वायर करते हैं क्या करते हैं क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 25 की वाला तो कट जाएगा इसीलिए टेन थीटा का सूत्र हम लिख सकते 1 बटा कॉट थीटा या कॉट थीटा ये दोनों कैंसिल हो गया आगे हमको क्या मिला टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या प्लस 2 था बराबर तो उधर जाके अब मेरा पावर 4 लाना था पावर 4 कैसे आ गया एक बार फिर से स्क्वायर कर देते हैं इसको यदि रिजल्ट आया तो इसको एक बार फिर से क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए तो यहाँ ई पूरा ए है ई पूरा बी है ए प्लस बी का स्क्वायर से ए स्क्वायर का मतलब टेन कितना थीटा हुआ 4 थीटा प्लस कॉट 4 थीटा प्लस 2ab 2 हो गया 10 स्क्वायर थीटा इंटू 25 कॉट स्क्वायर थीटा 23 का स्क्वायर इधर भी स्क्वायर 23 का स्क्वायर कितना 529 आगे मेरा क्या हुआ ये हो गया मेरा 10 4 थीटा प्लस कॉट 4 थीटा ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया उसको लिखो 1 बटा की कैंसिल हो गया मेरा केवल बेचारा कम बचा बराबर के उधर उसको भेज दिया मतलब 529 में 2 घट गया 527 फिर हर किसी ऑप्शन में यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया क्वेश्चन है 8 टेन एक्स बराबर 15 तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मान क्या होगा विद्यार्थी घबरा जाता है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन कुछ नहीं है केवल थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है क्वेश्चन मेरे पास था 8 टेन एक्स बराबर 15 इसका मतलब टेन एक्स का मान कितना 15 जब टेन एक्स का मान मालूम हो गया इसका मतलब हो गया ये लंब हो गया ये बचेगा जब लंब का मान मालूम आधार का मान मालूम कर्ण का मान निकाल सकते हैं लंब स्क्वायर जगह आधार स्क्वायर का रूट जब कर्ण का मान निकल जाएगा हमको क्वेश्चन बोला था साइन एक्स माइनस किसका मान निकालिए साइन एक्स का मान निकाल देंगे इससे लंब बटे कर्ण कॉस एक्स का आधार बटे कर्ण निकल जाएगा ना यहाँ मान निकाल लेंगे साइन एक्स और किसका कॉस एक्स दोनों का मान निकाल देंगे फिर घटाने के लिए दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे एक ही नहीं होगा तो देखो लंब स्क्वायर जो कौन जी आधार कितना होगा आगे सवाल है साइन थीटा बराबर 8 बटे 10 तो टेन थीटा का मान केवल फोटो दिखाने के लिए था बाकी कुछ काम करने के लिए नहीं था ठीक है बाकी कुछ काम करने के लिए नहीं था टेन थीटा का साइन थीटा का फॉर्मूला कौन सी लंब बटे जब लंब और कर्ण का मान मालूम तो आधार का मान निकाल देंगे जब आधार का मान निकल जाएगा हमको किसका मान निकालना था टेन थीटा का मान निकालना था बटे आंसर मेरा आगे आगे सवाल है सेम इसी ढंग से 7 टेन थीटा बराबर 4 7 टेन थीटा बराबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी परीक्षा में इस ढंग का क्वेश्चन मिला होगा ठीक है देखो इसको आसानी से कैसे बनाते हैं बोला 7 टेन थीटा बराबर 4 इसका मतलब कंफर्म मेरा हो गया टेन थीटा का मान 4 बटा कितना 4 लेकिन क्वेश्चन हमको बोला था इसका मान निकालिए इसका मान क्या दीजिए निकालिए अब विद्यार्थी आम तब देखेगा क्या करना शुरू करेगा ये लिखेगा लंब ये लिखेगा आधार इसमें वेट किसे किसे था साइन थीटा और
कॉस निकाल दे, इस कंडीशन में मॉड निकालेगा साइन थीटा और किससे कॉस थीटा, फिर इसमें सेटअप करेगा सात साइन थीटा था, सात गुना साइन थीटा का मान निकलेगा, फिर माइनस तीन गुना कॉस थीटा का मान, फिर पूरे में बढ़ता है, फिर इसका मान करेगा, फिर लघुत्तम लेगा, फिर क्या करेगा आंसर निकलेगा। लेकिन उतना काम तुमको करना नहीं है, हमको दिमाग ही लगाना है कि हमको टेन थीटा का मान मिल गया, किसका मान मिल गया टेन थीटा का मान, ऐसा हम करते हैं इसको टेन थीटा के फॉर्मेट में लाते हैं, टेन थीटा के तू कैसे आएगा इसमें, यदि ये जो पूरा पार्ट था एक पार्ट और नीचे वाला दूसरा पार्ट, ये पूरा पार्ट में यदि हम कॉस थीटा से भाग देते, किससे भाग देते हैं इसको भी, नीचे वाला पार्ट को भी किससे भाग देते हैं कॉस थीटा से, तब देखो कितना आसान होगा, कैसे यदि सात साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखे तो सात साइन थीटा बटे कॉस थीटा कौन सी सेवन टेन थीटा, माइनस तीन कॉस थीटा बटे कॉस थीटा लिखे कितना केवल तीन बचा, बटे सात साइन थीटा बटे कॉस थीटा सात कौन सी टेन थीटा प्लस तीन, आई सात टेन थीटा लिखे चार प्लस तीन, चार में तीन रह गए एक बटे कितना, चेंज भी करना पड़ा नहीं, भाग दे दे जो कि आसान हो, ठीक है इस का क्वेश्चन मिलेगा आगे सवाल देखो इसी ढंग का, नहीं तो अपना तो है साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला सेटअप करेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा, इसमें देखो क्या कह रहा, इस क्वेश्चन में टेन थीटा का मान दिया हुआ था, टेन थीटा का मान दिया हुआ था, बोला इसका मान क्या कीजिए निकालिए, इसका मान निकालिए, तो बहुत तरीका है निकालने का, यहाँ टू प्लस टू साइन थीटा था, टू क्या कर दिए कॉमन ले दिए, मेरा बचा टू प्लस कितना थीटा बटे वन माइनस कौन सी साइन थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा बटे टू माइनस टू कॉस थीटा, टू यदि हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ क्या बचेगा वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, अब क्या हो गया, अब मेरा चार पार्ट हो गया, कितना पार्ट हो गया चार पार्ट हो गया, अब क्या करते हैं दो पार्ट को पहले लिखते हैं, तो टू इंटू वन प्लस साइन थीटा या इंटू था गुना नहीं बटे नहीं क्या था इंटू था, दोनों में टू कॉमन हो गया, टू कॉमन ले लिया मेरा बचा कर दी वन प्लस साइन थीटा, इससे गुना था वन माइनस वन जी साइन थीटा बटे, यहाँ वन माइनस कॉस थीटा लिख दिया, फिर पी दोनों को देखो टू मिल रहा था दो कॉमन ले लिए बचा कौन सी वन प्लस कॉस थीटा, यहाँ प्लस था यहाँ कौन थीटा माइनस, इससे बेनिफिट क्या मिला, इससे बेनिफिट मिला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ आ गया टू इंटू वन माइनस कौन सी और यहाँ टू इंटू वन माइनस टू टू कैंसिल हो गया, पता वन माइनस आए इसमें बटा वन माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस बटे साइन कौन सी हो गया थीटा, ये ना अब हमको टेन थीटा का मान दिया हुआ था, यदि इसको पलटा देते हैं तो कॉट का मान हो जाता है, जब टेन का मान आठ बटे पंद्रह कॉट का मान पंद्रह बटे आठ, यहाँ स्क्वायर का था यहाँ लिख रहे पंद्रह बटे आठ का स्क्वायर, पंद्रह का स्क्वायर कितना बटे आठ का स्क्वायर चौसठ है, मेरा ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे टू माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो जहाँ सूत्र का उपयोग हो रहा वहाँ हम करेंगे, नहीं हो रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं, यही समझना था, उसमें थोड़ा सा दिमाग हम क्या लगाएंगे उस चीज के लिए, पहला काम तो कॉट थीटा का दिया होता है आधार बटे लंब करते हैं कर्ण का मान निकालते हैं, फिर यहाँ साइन कॉस के फॉर्मेट में साइन कॉस का मान सेट करते थे, वो भी मेरा आंसर हो जाता, दूसरा दिमाग हम क्या लगाते हैं यहाँ हमको कौन सी का मान दिया हुआ था कॉट का, कौन सी का मान दिया हुआ था कॉट का, आएगा ऐसा करते हैं कि जब पूरा पार्ट है किसी से भाग देता है नहीं तो वन माइनस कॉस स्क्वायर कौन सी बटे टू माइनस कौन सी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया ना, अब तो केवल साइन के फॉर्मेट में है ना, अब केवल साइन के